दोस्तों, आज मैं फाइनेंशियल टॉपिक पे आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक पर मैं आपसे खुल के बात करूँगा। जैसा इसके पहले हम लोगों ने GNDSR के टॉपिक्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम आपको कुछ अपने पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो थोड़ी स्टडी है, हम ज़रूर उसको आपके साथ साझा करेंगे, सो दैट यू ऑल गेट बेनिफिटेड बाय माय एक्सपीरियंस एंड माय स्टडी। तो अब जबकि हम लोग सर्विस कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या इवन प्राइवेट जॉब में हैं, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, ये कॉमन टॉपिक है। इट इज़ ए कॉमन टॉपिक फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब और रेलवे एम्प्लॉइज। सो कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो, या PSU सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के PSUs के एम्प्लॉयज हैं, या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय है, या बिजनेसमैन है, ये सब के ऊपर सामान्य रूप से लागू है। तो इसमें मैं आपको फोर पॉइंट्स मैंने डिवाइड कर रखा है पूरे टॉपिक को। हालांकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। तो प्लीज, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सरस ओझा नाम है चैनल का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। इस तरह के वीडियो जो ज़रूरी हमारे लाइफ के लिए उपयोगी है, यूजफुल वीडियोज़ फॉर आवर लाइफ, आई विल कंटिन्यू टू मेक एंड ऑल ऑफ यू शुड टेक बेनिफिट ऑफ दिस। नाउ फर्स्ट पोर्शन में हमने क्या हेडिंग रखा है, स्टार्ट अर्ली। तो क्या स्टार्ट अर्ली करना है, सेविंग। जैसे ही नौकरी लग जाए और आपको लगे, क्योंकि हर व्यक्ति के घर की परिस्थिति अलग अलग होती है, और आपको जैसे लगे कि हाँ, अपने घर का खर्च, अपने पेरेंट्स की देखभाल, वो सारा चीज़ों के अलावा हमारे पास कुछ पैसा बच रहा है, और तो उस बचे हुए पैसे को प्लानिंग कैसा करना है, तो उसमें पहला फोकस करना चाहिए स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली का मतलब जो भी बचत प्लानिंग है, छोटी बचत हो, 1 रुपए की बचत हो, 100 रुपए की बचत हो, 1000 रुपए की बचत हो, लाइफ में जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उसका बेनिफिट उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ब्रैकेट में हमने लिखा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यानी छोटी रकम को जब आप हर महीने बचाएंगे, तो मान लो एक एवरेज व्यक्ति, कोई 25 साल में नौकरी करता है, कोई 35 साल में नौकरी स्टार्ट करता है, कोई लेट भी हो जाता है दुर्भाग्य से, तो एवरेज हमने 30 साल समझ लिया। चलो, हमने 30 साल में सर्विस ज्वाइन किया है और 60 साल में हम रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो हमारे पास 30 साल सेविंग का समय है। तो ये कंपाउंडिंग का पावर समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है कि मान लो हम 100 रुपया रोज बचा रहे हैं अपनी पेमेंट में से, 100 रुपया रोज, तो मंथली कितना हो जाएगा, 3000, 30 × 10, 3000 पर मंथ हमारी सेविंग है। अब वो चाहे हम एक रिकरिंग डिपॉजिट में बैंक में खोल दे कि 1000 रुपये महीने हमारा RD अकाउंट खुलेगा, नो प्रॉब्लम, वो भी एक सिक्योर्ड मनी है, बैंक में है, RD अकाउंट खुला है, सेफ, सुरक्षित है और अच्छा ब्याज मिलेगा हमको, RD खोल सकते हैं, या और भी तरीके में बताऊंगा क्या क्या खोल सकते हैं आप। देन ये 3000 पर मंथ को आप जोड़िए कि 12 महीने में कितना हो जाएगा, 36000, बिना इंटरेस्ट के हमने जोड़ा है, और ये 36000 पर ईयर जो छोटी सेविंग है हमारी 100 रुपये प्रतिदिन वाली, यानी 3000 रुपये हर महीने की जो छोटी सेविंग है,
तो एक साल में 36,000 रुपए हो गए, और अगर इसको हम 30 साल इकट्ठा करें बिना ब्याज के, तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 10,80,000 यानी लगभग 11 लाख रुपए हो जाते हैं। हमने स्टार्ट कितने से किया? 3 लाख रुपए से, 3,000 रुपए पर मंथ से, 3,000 पर मंथ से स्टार्ट किया, और 30 साल जब हमारी सर्विस पूरी हो गई तो बिना ब्याज के हमारे पास लगभग 11 लाख रुपए हमारे हाथ में हैं। अब इसको आज का जो मार्केट इंटरेस्ट है आरडी में 7%, 7.5%, सुरक्षित आरडी में, हमें प्राइवेट जो बहुत सारे एफडी ऑफर करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर के, उसके चक्कर में ना फंस के हम सरकारी बैंकों में या आईसीआईसी बैंक पे प्राइवेट बैंक्स में भी रख सकते हैं, वो सब सुरक्षित हैं, बैंकों में रखना ज़्यादा सुरक्षित है। तो यदि एवरेज आप 7% का भी इंटरेस्ट पकड़ लेंगे उस आरडी के ऊपर, तो ये आपका जो 30 साल में ये 11 लाख रुपए, कम से कम 50 लाख रुपए आपको देगा जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, और बीच में कुछ आवश्यकता पड़े तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। दूसरे विकल्प, तो ये हमने समझाया आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि ये इस साल ठीक है, शुरू में हमने 3,000 पर मंथ बचाया, अगले साल से इसको हम बढ़ा के 5,000 कर देंगे, फिर हमारी पेमेंट बढ़ेगी, हम 7,000 कर देंगे, प्रमोशन आ गया, पेमेंट बढ़ गई, 10,000 कर देंगे, यानी अपनी क्षमता के अनुसार हर महीने जो आपकी सेविंग है वो आप बढ़ाते रहिए धीरे धीरे, आपके घर के जरूरी खर्चों का ध्यान रखते हुए, ताकि वो भी पूरा करना है। देन कहाँ कहाँ हम ये अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं? तो एक सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है बैंक एफडी, जो सेकेंड हेडिंग में हमने आपको बताया है, फिक्स डिपॉजिट, बहुत ही सुरक्षित है। एक साल के लिए आप फिक्स करिए, 3 साल के लिए फिक्स करिए, 5 साल के लिए फिक्स करिए, और जब आपको चाहिए आप बैंक में जाके सेम डे आपको पैसा मिल जाएगा। इसको एक लिक्विड मनी भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लिक्विड मनी, रेडीमेड मनी। और अपने इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड का मतलब मान लो हमारे घर में परिवार में कोई ऐसी परेशानी आ गई जिसको हमने कभी सोचा नहीं है, दुर्घटना हो गई, बड़ी बीमारी किसी को लग गई, तो हम इंश्योरेंस पे आएंगे बाद में, उसके पहले मान लो हमको कोई इमरजेंसी पैसे की आवश्यकता है, तो या नौकरी को किसी का नुकसान हो गया, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा खतरा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कभी कभी सर्विस के ऊपर परेशानी आ जाती है, ऐसी अवस्था में हमारे पास इमरजेंसी फंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कंसेप्ट ये है, एक्सपर्ट्स का कंसेप्ट जो हमारी स्टडी है, जो हमने सुना है कि कम से कम आपके 6 महीने का खर्च, मान लीजिए हमारे घर में 1 लाख रुपए प्रतिमाह, किसी के घर में 60,000 रुपए प्रतिमाह का खर्च है, एवरेज खर्च की उतना हमको चाहिए ही चाहिए, तो 6 महीने का आप हिसाब लगा दीजिए, अगर 1 लाख पर मंथ हम खर्च करते हैं एवरेज, पढ़ाई, बच्चों की ट्रांसपोर्ट और सारा सब चीज़ मिला के, तो आप 6 महीने का मतलब 6 लाख, 50,000 रुपये आपके महीने का खर्च है, तो 6 महीने का मतलब 3 लाख। तो जैसा अपना अपना खर्च है, अपने रहने का तरीका है, उसके हिसाब से 6 महीने का खर्च जो हम बैंक में रखेंगे, एफडी में रखना चाहिए, वो है हमारा इमरजेंसी फंड, किसी भी इमरजेंसी में काम आएगा, ताकि हम 6 महीने अपना काम आराम से उससे चला सकते हैं। एक एक कंसेप्ट है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी रख सकते हैं। और दूसरा जो सेविंग का तरीका है, जैसे एक आरडी हमने बताया कि हर महीने हम बैंक में आरडी खुलवा लिए तो जमा होता जाएगा हमारे सेविंग अकाउंट से, हर महीने जाने की जरूरत नहीं है बैंक, आपके सेविंग अकाउंट से इंस्ट्रक्शन रहेगा, हर महीने उतने पैसा आरडी में चला जाएगा, जिस दिन मैच्योर होगा उस दिन जाके आप उसको बंद कर सकते हैं, नया खोल सकते हैं, वो 10 मिनट के काम है, आजकल बैंक में बहुत फास्ट काम होते हैं, ऑनलाइन भी वो सेवा उपलब्ध है। दूसरा एक विकल्प उपलब्ध है म्यूचुअल फंड, तो ज्यादातर लोगों ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और तीसरा एक मैंने लिख रखा है शेयर्स, डायरेक्ट जो शेयर मार्केट में शेयर हम परचेज करते हैं, जैसे इंफोसिस का शेयर है, टीसीएस का शेयर है, अच्छी कंपनीज के, कुछ लोग जो जानते हैं इसके बारे में, जानकारी रखते हैं, डायरेक्ट कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो उसमें भी उनको लाभ होता है। तो यहाँ पे जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस और स्टडी के हिसाब से सुझाव है कि आप जो लोग इम्प्लाई है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है शेयर मार्केट का स्टडी करने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए, तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको आप छोड़ दीजिए, दैट इज माई एडवाइस। आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, किसी
वित्तीय सलाहकार की मदद लेके वो काम कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने इम्प्लाइज के लिए एडवाइजेबल नहीं है, मेरी सलाह नहीं है। मेरी सलाह कहाँ पर है, एफडी में मान लीजिए आपको 7% मिलता है या आरडी में 7-7.5% ब्याज मिलता है, लेकिन महंगाई की दर हमेशा जो है बहुत आगे रहती है कि चीजें महंगी होती जा रही है और हमारा पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो दूसरा एक सुरक्षित तरीका है म्यूचुअल फंड, जो कि सुरक्षित है और जिसको मैं भरोसे के साथ आपको एडवाइस दे सकता हूं। और मार्केट में तरह तरह के म्यूचुअल फंड हैं, आजकल ऑनलाइन आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोल सकते हैं मोबाइल ऐप डाउनलोड करके। SBI का म्यूचुअल फंड का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और अपना पर्टिकुलर्स डालिए, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा। चाहे आप हर महीने डालिए, उसको SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चाहे आप कभी भी जब इच्छा है आपको लगता है शेयर मार्केट थोड़ा डाउन है तो म्यूचुअल फंड भी उस समय सस्ता रहेगा। हालांकि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम पैसा डाल देते हैं तो उसको एक्सपर्ट लोग हैंडल करते हैं, इसलिए सुरक्षित माना जाता है। दूसरा SBI के अलावा HDFC बैंक के बहुत सारे हैं, आप ऑनलाइन में सर्च करिएगा, 6-6 फंड आ जाएंगे। HDFC के है, एक्सिस के है, और SBI हो गया, और देन बहुत सारे दूसरे म्यूचुअल फंड्स भी हैं। आप एक ही SBI में अच्छे अच्छे जैसे फोकस्ड म्यूचुअल फंड है, SBI फोकस्ड म्यूचुअल फंड, SBI मल्टी कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड। तो इसमें चाहे हर महीने SIP के हिसाब से जमा करें या लंप सम जब लगे कि बाजार गिरा है तब जमा करें। एवरेज रिटर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको 10-12% तक की इनकम हो सकती है। हालांकि मन में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप वही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाइए जो कम से कम आप 5 साल या 7 साल तक उसमें रख सकें। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या है, नीचे जाएगा, म्यूचुअल फंड भी तो नीचे जाएगा, लेकिन जिस तरह शेयर का दाम नीचे होता है उतना फास्ट हमारा म्यूचुअल फंड नहीं नीचे जाता है, थोड़ा स्टेबलाइज रहता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग उसमें बहुत मेहनत करके हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो आप 5-7 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर 12% या कभी कभी 15% भी इंटरेस्ट मिल जा उसमें मिल सकता है, आपको बेनिफिट आ सकता है, लेकिन फिर भी एवरेज 10-12% जरूर मिलेगा, जो FD के कंपेरिजन में ज़्यादा है। पर म्यूचुअल फंड में वही पैसा लगाएं जो पैसा आपको तत्काल 5-7 साल तक इमीडिएटली निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक इमरजेंसी फंड रखा है इमरजेंसी के लिए, और अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा हम लमसम रखते हैं, डे टू डे कुछ छोटा मोटा रिक्वायरमेंट आता रहता है तो उसको संभालने के लिए रखना चाहिए। FD में भी रखिए, सेविंग में भी थोड़े पैसे रखिए, तो अपने इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं। बाकी कुछ स्पेयर पैसा है तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाने का है, थोड़ा लगाने का है। एवरेज हम बताएंगे आपको एक आइडिया के लिए कि मान लो जो हमारा स्पेयर पैसा है, यदि आप 40% FD में लगाए हैं तो इधर भी आप 30% पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। बाकी जो अपनी सेविंग का है, अभी नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आप देखिए, वो बहुत ही है तो थर्ड नंबर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारे सेविंग का, वो क्या है, इंश्योरेंस। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस में जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, कंपलसरी इंश्योरेंस है, और डिफेंस सर्विस में जो इंश्योरेंस है काफ़ी सफिशियंट मात्रा में है, पर ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर जैसे रेलवे एम्प्लाइज के लिए जो इंश्योरेंस कवरेज है बहुत ही कम है, ग्रुप इंश्योरेंस बहुत ही कम है। इंश्योरेंस का एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में एक सलाह क्या है कि हम कितने पैसे का इंश्योरेंस कराएं अपनी लाइफ का, और हमेशा जो अर्निंग मेंबर है, घर में कमाने वाला मेंबर है, उसी का इंश्योरेंस कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कमाने वाले नहीं है सबका इंश्योरेंस ले लिए तो आपको बेनिफिट नहीं है। ऐसे व्यक्ति का इंश्योरेंस होना चाहिए जिसके जीवित न रहने पे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, ताकि उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इंश्योरेंस का कंसेप्ट है। तो अर्निंग मेंबर का कितने का इंश्योरेंस लिया जाए कि उनकी डेथ की हालत में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए ताकि परिवार की देखभाल ठीक ढंग से हो सके थोड़े दिनों तक। तो उसका कंसेप्ट है कि जिस व्यक्ति की जो अर्निंग मेंबर है उसका साल की जितनी आमदनी है उसका लगभग 10 गुना या
सात आठ गुना कम से कम तो जरूर होना चाहिए, मोटा मोटा 10 गुना का एडवाइस दिया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी साल की 12 लाख है, या कैलकुलेशन के आसानी के लिए 10 लाख ले लीजिए कि हमारे साल की आमदनी 10 लाख है, तो मेरा इंश्योरेंस 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख मीन्स 1 करोड़। यदि 1 करोड़ तो इसका जो आपका प्रीमियम है उतना ज्यादा नहीं आएगा, उसको भी मैं अभी बताता हूं आपको कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है नियम से। मान लीजिए किसी की इनकम 2 लाख पर मंथ है तो उसकी आमदनी 25 लाख हो जाएगी, तो उसका 2.5 करोड़ होता है, तो उसका इंश्योरेंस टर्म प्लान 2.5 करोड़ का लेना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा आप कम एडजस्ट कर सकते हैं, चलो 7-8 गुना ही, यानी कि अगर 2.5 लाख है पर मंथ तो 12 महीने का कितना हो गया 30 लाख लगा लीजिए, तो 30 लाख का 7 गुना ही एवरेज लगभग 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिए तो भी काम चल जाएगा। यानी 7 गुना से लेके 10 गुने के बीच में आमदनी का 7 गुना से लेके 10 गुना के बीच में हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है, ये इंश्योरेंस जो हमारे एजेंट एडवाइस करते हैं ज्यादातर, हमने 2 ऑप्शन बताया आपको, टर्म प्लान और इंडोमेंट प्लान। तो ज्यादातर एजेंट आपको इंडोमेंट प्लान ही एडवाइस करते हैं और हमारे इम्प्लाइज को वही समझ में आता है, वही पसंद करते हैं, और ज्यादातर जितने लोगों के मैं संपर्क में आया सब लोग इंडोमेंट पॉलिसी ही लेते हैं इंश्योरेंस का। इंडोमेंट का मीनिंग होता है कि उसमें एक निश्चित समय के बाद मनी बैक पॉलिसी जिसको बोलते हैं, कि थोड़े थोड़े इंटरवल पे कुछ पैसा मिलता रहता है ब्याज वगैरह बोनस वगैरह जोड़ करके। और एजेंट आपको समझाएगा कि साहब आपने साल में मान लीजिए 2 लाख रुपया जमा किया तो आपको 5 साल में 8 लाख वापस मिल जाएगा और आपका 50 लाख का इंश्योरेंस भी बना रहेगा, इस तरह समझाते हैं। तो ये एकदम क्लियर कंसेप्ट है वो क्यों इंडोमेंट पॉलिसी का एडवाइस करता है, क्योंकि उसके ऊपर एजेंट को कमीशन ज़्यादा मिलता है और टर्म प्लान में एजेंट का कमीशन कम है, इसलिए कभी भी एडवाइस नहीं देता है। इसलिए एजुकेटेड व्यक्ति का काम है आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसमें कुछ मनी बैक नहीं रहेगा। हम जो सोचते हैं अरे टर्म प्लान हमने ले लिया और हमको 2-5 साल बाद कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, क्या फ़ायदा है, इंश्योरेंस इज फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ डेथ केस में मिलना चाहिए, और किसको मिलना चाहिए, वो हमारे नेक्स्ट ऑफ किन जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिलना चाहिए। ये मनी बैक बोले तो जो हर इंटरवल पे 5-8 साल पे पैसा मिलता है वो आप FD से लीजिए, म्यूचुअल फंड से लीजिए, RD से लीजिए, जो बैंक में रखे हैं वहाँ से कमाइए, आप म्यूचुअल फंड से कमाइए, इंश्योरेंस से मत कमाइए, नहीं तो आपकी पॉलिसी महंगी पड़ती है और हमें समझ में नहीं आता। तो क्लियर कट एडवाइस है ऑलवेज टेक ओनली टर्म इंश्योरेंस प्लान। उसमें क्या होगा, 1 करोड़ का प्लान लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18,000-20,000 रुपये का ही एनुअल 18-20,000 रुपये ही साल के लगेंगे, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। और ऑनलाइन लेंगे तो और सस्ता पड़ेगा, हालांकि आप ऑफलाइन में ले सकते हैं एजेंट के माध्यम से, लेकिन टर्म इंश्योरेंस ही लीजिए, बोल दीजिए नो आई विल नॉट टेक मनी बैक पॉलिसीज, आई विल नॉट टेक द इंडोमेंट पॉलिसी। क्लियर, एक बार क्लियरली आप अगर दुविधा में बोलेंगे साहब ये लूं कि वो लूं, तो हमेशा इंडोमेंट में ही लेके जाएगा वो आपको। ये बाई एक्सपीरियंस एजेंट ने हमसे भी कराया है और बाद में हमें स्टडी के बाद एक्सपर्ट्स का बात सुनने के बाद मालूम हुआ कि वी शुड टेक ओनली टर्म प्लान इंश्योरेंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द टैक्स सेविंग पार्ट ऑफ द इम्प्लाइज। जो इम्प्लाइज है या बिजनेसमैन है, तो हम सब लोगों की जो रेगुलर इनकम होती है तो उसमें टैक्स सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला एडवाइस, एक ओल्ड रिजीम जो पुराना टैक्स का हिसाब किताब हमारा चल रहा है और एक न्यू रिजीम, तो जो हम लोग सेविंग करने वाले व्यक्ति है ज़्यादातर लोग, हमें ओल्ड रिजाइम का ऑप्शन रखना चाहिए, यानी पुरानी स्कीम इनकम टैक्स की हम फॉलो करेंगे। इसमें आपका जो प्रोविडेंट फंड में पैसा कटता है, या इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, या हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन अमाउंट जमा करते हैं साल में बैंक में हर महीने कटता रहता, तो जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है ये सब 80C में गिना जाता है और इसकी अधिकतम छूट है 1.5 लाख रुपए। तो ध्यान रखना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा हम
अगर अपनी सेविंग के लिए हम पीएफ में कटवा रहे हैं तो अच्छी बात है वो, क्योंकि पीएफ का पैसा सेफ है और इंटरेस्ट भी अच्छा है। लेकिन इनकम टैक्स बचाने के लिए अगर कर रहे हैं तो 1.5 लाख तक ही छूट मिलेगी, उससे ज़्यादा जो डालेंगे वो इनकम टैक्स पे छूट नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम, चाहे किसी बैंक में आप खोल लीजिए, पोस्ट ऑफिस में खोल लीजिए, तो 1.5 लाख के ऊपर 50,000 की अतिरिक्त सेविंग आप कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट खोल करके, बैंक में ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। एनपीएस के बाद नेक्स्ट है 80D। 80D में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस, पेरेंट्स का अपना हेल्थ इंश्योरेंस। यदि आपको इम्प्लाई है, जैसे रेलवे इम्प्लाई है, हमको रेलवे हॉस्पिटल से पूरी सुविधा मिल रही है, तो टैक्स बचाने के लिए कभी भी पॉलिसी लेना एडवाइजेबल नहीं है। यदि हमारे पास हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है तब हम इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसका हमें टैक्स बेनिफिट अलग से मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा। देन नेक्स्ट है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन यदि घर लेना है, घर की जरूरत है, इनकम टैक्स बचाने के लिए घर नहीं लेना चाहिए, यदि हमें घर की जरूरत है तभी हमें हाउसिंग लोन लेना चाहिए। तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो 1.5 लाख के अंदर आएगा। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अमाउंट, मान लीजिए मैं हर साल 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करता हूँ तो हमको 2 लाख की छूट मिलेगी। यानी जितना हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें से 2 लाख ही माइनस होगा। यदि हम 1.5 लाख इंटरेस्ट पे करें तो 1.5 लाख, ये 2 लाख के ऊपर पे कर रहे हैं तो 2 लाख तक की छूट मिलेगी। नेक्स्ट है कि एजुकेशन लोन, यानी बच्चों के या किसी के घर के अपना जो डिपेंडेंट है उसका एजुकेशन लोन आपने लिया है तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट लगता है बैंक में पे करते साल में, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप सीधा अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं। तो एजुकेशन लोन पर ब्याज में छूट इनकम टैक्स से माइनस हो जाती है। तो ये सारी स्कीम्स है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। इसी तरह का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के यूज के बारे में भी बताऊंगा, अगला वीडियो हमारा आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।